हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आर पी टेप के आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इंतजार था और मैंने बोला था कि यूजी एडमिशन का अप्लाई जो है अगस्त मंथ से ही स्टार्ट होगा, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ने जो है नोटिस जारी कर दिया गया है और जो है एडमिशन के लिए जो है अप्लाई जो है स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इसलिए इस बार जो थोड़ा लेट हुआ, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू शिक्षा नीति के आधार पर जो है अब 4 साल का जो ग्रेजुएशन होगा उसी के रिगार्डिंग जो है बात चल रही थी, इसलिए जो है थोड़ा सा लेट हुआ। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को जो है नोटिस दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको जो है प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको जो है एडमिशन लेना है, अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये ऑफिशियल जो नोटिस है देख सकते हैं, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ चांसलर पोर्टल जो 18 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जो यहाँ पे जो ओपनिंग रहेगा अप्लाई का, जो अप्लाई जो है दोस्तों वो चांसलर पोर्टल से ही होता है फर्स्ट टाइम एडमिशन के लिए, तो चांसलर पोर्टल से ही आप अप्लाई करेंगे। और दूसरा यहाँ पे लिखा पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट 6 सितंबर को जो है जो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी जारी किया जाएगा जितने भी प्राइवेट और सरकारी कॉलेज है उस सारे में। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा 7 सितंबर से। इस नोटिस को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो पूरा पढ़ ले। मैं आप लोग को जो है पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने दोस्तों। और अगर आप दोस्तों अगर हमारे चैनल में न्यू है या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से जो अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले जो है आपको चांसलर पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा, क्योंकि अप्लाई जो है चांसलर पोर्टल से ही होगा। जितने भी कॉलेज है एसकेएमयू के अंडर में वो सारे कॉलेजों में जो है चांसलर पोर्टल से ही अप्लाई होगा। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको जो यहाँ पे सबसे पहले एक आईडी क्रिएट करनी है। साइनअप पे जाके आईडी कैसे क्रिएट करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग मैं पहले से एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को देख लें। आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड और ये कैप्चा जो डाल के आपको लॉगिन हियर पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो एक सेट करने का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि जैसे आप इसमें फर्स्ट टाइम रजिस्टर करके आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप यूजी के लिए यहाँ पे आए हैं या पीजी के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आपको वो ऐड करना होगा। जब तक आप यहाँ पे सेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यू कांट फिल एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, यू कांट व्यू एप्लीकेशन व्यू नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते, ये सब आप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा हुआ, तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए सेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कोर्स पे जाना है और अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अप्लाई ईयर पे आपको यहाँ पे 2022 सेलेक्ट करना है और सेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सेट हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं सारे में जो सही टिक लग जाएगा, सही का निशान यहाँ पे लग गया, ये सारा काम आप कर सकते हैं, एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल एडमिशन फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, 4 स्टेप में जो है आपका ये एडमिशन अप्लाई जो है कंप्लीट होगा। फर्स्ट जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, दूसरा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, तीसरा अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन और चौथा जो है पेमेंट सेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आपको बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्रीइंग ये लिखा हुआ रहेगा टर्म एंड कंडीशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अंडर ग्रेजुएट यूजी बैचलर डिग्री इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अप्लाई का जो फॉर्म है वो यहाँ पे जो ओपन हो जाएगा, इसको आपको पूरा फिलअप करनी है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे नाम आपका जो लिखा हुआ रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा वो नाम दीजिएगा, वो नाम यहाँ पे सेम आपको लिखा हुआ रहेगा, इसको जो है आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अगर मिस्टेक हुआ है तो। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टूडेंट का जो है हिंदी में नाम लिखना है, उसके बाद फादर नाम इंग्लिश में लिखना है, फादर नाम हिंदी में लिखना है, मदर नाम इंग्लिश में लिखना है, मदर नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, ये जो आपको डिटेल्स फिलअप करेंगे ये आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में होना चाहिए, मार्कशीट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर हो। उसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो भी ब्लड ग्रुप हो आप वो ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका हो। रिलीजन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका यहाँ पे रिलीजन हो। आईडी कार्ड यहाँ पे जो है दोस्तों 4-5 आईडी यहाँ पे दिया हुआ रहता है, लेकिन आधार कार्ड दिया हुआ नहीं रहता है, तो आधार कार्ड आपको डालना है। तो यहाँ पे आधार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार ऐसे करके लिख देंगे नाम, और यहाँ पे जो है आधार नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे आपको डालना है, जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है आपका चेहरे वगैरह हाथ वगैरह में हो, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए डू यू हैव डोमिकल ऑफ झारखंड, अगर आप झारखंड स्टेट से हैं तो यहाँ पे यस करना है अथवा आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी हो। बीपीएल पे यहाँ पे नो ही रखना है, अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी। उसके बाद डिफरेंट एबल कैटेगरी, अगर आप हैंडीकैप्ड वगैरह हैं तो यहाँ पे आप देख लेंगे कौन सा आपका है, या नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। और इस कश्मीर माइग्रेंट यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे एनसीसी वगैरह यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये सब में अगर आप कोई चीज़ किए हुए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको यस करना है अथवा सारे में यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर यस करेंगे तो आपको डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना, जो भी आपका एड्रेस हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी नाम डालना है, जो आपका सिटी नाम हो।
स्टेट यहाँ पे पहले से रहेगा झारखंड, अगर नहीं रहेगा तो झारखंड सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना, जो भी आपका पिन कोड हो। आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे जो बॉक्स पे टिक करेंगे तो दोनों यहाँ पे सेम हो जाएगा। अभी मैंने फ्लिप नहीं किया, ये इसलिए ये एरर आ रहा है। और अगर दोनों अलग है तो यहाँ पे दोनों में अलग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। साइज इसका जो है 10 से 100 KB के बीच में आपको रखना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वहाँ पे फाइल खुल जाएगा। फाइल से वहाँ पे आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, उसी तरह सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये जो मोबाइल से अगर फिलअप कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड ऑन करके करना है क्रोम ब्राउजर में, तो आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से आपको सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप आ जाएगा, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है आपका इंटर लेवल से यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपका कोई वोकेशनल है तो वोकेशनल पॉलिटेक्निक का भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले लास्ट पास एग्जामिनेशन जो है आप इंटर यहाँ पे इंटरमीडिएट 10+2 इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्ट्रीम नाम सेलेक्ट करना है, आपने क्या किया था इंटर में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। कौन से मीडियम से था, हिंदी इंग्लिश उर्दू बंगाली, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, किस साल आपने पास किया था इंटर इंटरमीडिएट, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका कोर्स टाइप क्या है। अगर 2022 में आपने जो है पास किया है तो आपको हमेशा रेगुलर रहेगा। आपने 2022 से पहले यानी कि 2021, 2020, 2019 इससे पहले जो आपने कभी किया है तो वो एक्स रेगुलर होगा। अगर आपने कंपार्टमेंटल दिया है तो यहाँ पे कंपार्टमेंटल आपका होगा, वो यहाँ पे आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। क्योंकि कोर्स टाइप अगर यहाँ पे आप गलती करते हैं तो सब्जेक्ट मैपिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वगैरह नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको कोर्स टाइप जो ये आपको यहाँ पे ध्यान से रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है। डिवीजन में आप पहले अपना जो है टोटल मार्क्स का परसेंटेज देख लेंगे, कौन सा परसेंट में आपका आता है। जैसे कि फर्स्ट डिवीजन है तो 60 से 74% के बीच में है तो आपको फर्स्ट में यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर 75 से ऊपर है तो यहाँ पे आपको डिस्टिनेशन सेलेक्ट करना है। 45 से 59 के बीच में सेकेंड सेलेक्ट करना है। 45 से नीचे है तो थर्ड सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप अपना जो मार्कशीट में परसेंटेज देख लेंगे उसी हिसाब से वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वरना यहाँ पे परसेंटेज आपको नहीं लगेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड से आपने इंटर किया है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जो है कॉलेज नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज या स्कूल नाम से पास किए हैं। स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टेट से आपने जो है इंटर पास किया है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको जो है टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको डालना है, जो आपको मार्कशीट में आपका सब्जेक्ट जो दिख रहा होगा उसी हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सामने जो है आपका टोटल मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स डालना है, कितने मार्क्स उस सब्जेक्ट में आपके आए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जितने भी पांचों सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको मार्क्स डाल के सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो तीसरा स्टेप आपका अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहीं पे आपको जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि पीछे आप कुछ गलत डाले हैं तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे क्लिक हियर पे करेंगे तो एडिट हो जाएगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का जो भी डिटेल्स हो। उसके बाद अगर आप पर्सनल डिटेल में कुछ लग रहा है मिस्टेक है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। अथवा यहाँ पे आपको पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज यहाँ पे जो प्राइवेट और सरकारी जो कॉलेज है वो सारे कॉलेज यहाँ सारे कॉलेजों का नाम यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज है, सारे कॉलेजों का नाम दिया हुआ, तो आप लोग नीचे कमेंट ना करें कि सर मेरा स्कूल मेरे कॉलेज का आप नहीं बताए हैं। यहाँ पे सारे कॉलेज दिया हुआ है, देख सकते हैं SBSS PSG कॉलेज, पत्रकामा, SRT कॉलेज धमरी है, ठीक है, ऊपर में AN कॉलेज, AS कॉलेज, BSK कॉलेज बररवा, सारा कॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गोड्डा महिला कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी कॉलेज है वो कॉलेज यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसिप्लिन में दोस्तों यहाँ पे रेगुलर ही अब आएगा। पहले जो यहाँ पे ऑनर्स आता था और जनरल आता था, तो जनरल ऑनर्स को खत्म कर दिया। जैसे कि न्यू शिक्षा नीति के आधार पर जो 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ है तो उसमें जो है सिर्फ आप रेगुलर से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्ट्रीम आ जाएगा। स्ट्रीम में जो है थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग किया गया। पहले जो यहाँ पे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ऐसे आता था, अब यहाँ पे नेचुरल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और कॉमर्स आएगा। तो पहला जो नेचुरल साइंस, इसमें जो है साइंस सब्जेक्ट आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या रहेगा। नेचुरल साइंस जैसे आप क्लिक करेंगे तो साइंस का सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद ह्यूमैनिटीज में जो है आपको यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब, ये सारा आएगा। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये 4 आएगा। उसके बाद सोशल साइंस में जो है आर्ट्स का सब्जेक्ट आएगा, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सारा आएगा। उसके बाद जो है दोस्तों कॉमर्स आएगा। कॉमर्स में तो एक ही रहेगा, इसमें दोस्तों इसका जो कॉमर्स यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो
तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे साइंस के लिए कर रहा हूँ तो नेचुरल साइंस में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लेना है, तो जो सब्जेक्ट आपको लेना है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट जो है अभी ऐड नहीं किया गया है, और बाकी सब्जेक्ट जो यहाँ पे ऐड कर दिया गया, मेन मेन जो सब्जेक्ट है वो सारा ऐड कर दिया गया है, और कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐड नहीं किया, वो भी ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक आर्ट्स में यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूँ ऑनर्स, तो यहाँ पे जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो आप भी यहाँ पे जो ऑनर्स लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, तो नीचे जो है सब्जेक्ट मैपिंग आपके आपको जो यहाँ पे शो करेगा। पहले दोस्तों जो होता था कि ऑनर्स पेपर यहाँ पे शो करता था, लेकिन अब ऑनर्स की जगह जो है मेजर सब्जेक्ट यहाँ कर दिया गया है, और जी सब यानी कि जनरल इलेक्टिव की जगह IRC 1 कर दिया गया। तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ACC की जगह जो हिंदी आता था उसमें अभी MIL और नॉन MIL प्लस लैंग्वेज कर दिया गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना हो। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ लीजिए पॉलिटिकल साइंस ये आपका ऑनर्स पेपर है, होम साइंस ये आपका जनरल इलेक्टिव है, और हिंदी जो है ACC, इस टाइप को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है। MIL और नॉन MIL का जो है मार्क्स कितना होगा, मेजर का मार्क्स कितना होगा, और ये IRC 1 का मार्क्स कितना होगा, मतलब टोटल सेमेस्टर 1 में कितना मार्क्स होगा, कितने जो है ग्रांड टोटल कितना होगा ओवरऑल, तो वो सब के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझा दूंगा। अभी जो है आपको सिर्फ अप्लाई करना है, और इसी टाइप में जो है ऑनर्स, इसको ऑनर्स पेपर मानना है, इसको GE पेपर मानना है, और इसको ACC पेपर मानना है, इस टाइप का यहाँ पे मानना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले रहा हूँ, और इसके साथ में मुझे GE जो है हिस्ट्री लेना है, तो आप यहाँ सर्च बॉक्स में जो है जनरल इलेक्टिव का जो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करना चाहिए ST, तो देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के साथ जो 4 यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है उसके साथ हिस्ट्री के साथ यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, MIL और नॉन MIL प्लस लैंग्वेज, यानी कि जो ये जो MIL और नॉन MIL प्लस लैंग्वेज है ये हिंदी ही रहेगा। अगर यहाँ पे आप कुछ और भी रखना चाहते हैं, जैसे कि नीचे दिया हुआ है नॉन हिंदी, यानी कि ये इसके साथ आप बंगाली, मतलब दो सब्जेक्ट, मतलब जैसे मान लीजिए ये 100 नंबर का है, तो यहाँ पे जो आप दो सब्जेक्ट रख सकते हैं 50-50 नंबर का, नॉन हिंदी मतलब हिंदी रहेगा ही प्लस लैंग्वेज बंगाली उर्दू संताली, ये आप यहाँ पे रख सकते हैं, इंग्लिश यहाँ पे अभी नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप का यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मैपिंग आपको करना है। जैसे कि मुझे अभी ये लेना है ऊपर वाला, तो यहाँ पे मैं इस पर टिक करूंगा, इसी तरह बॉक्स में आपको टिक करना है, और एड डिसिप्लिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप एड डिसिप्लिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो ऐड हो जाएगा, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज नाम और डिसिप्लिन और स्ट्रीम यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस व्यू पे आपको क्लिक करके व्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस, IRC 1 हिंदी, और हिस्ट्री और MIL और नॉन MIL जो है हिंदी, ये मैंने अभी सेलेक्ट किया, तो इस तरह से यहाँ से आपको शो करेगा। इसको अगर आपको नहीं लेना तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करके दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आपको जो है कॉलेज में अप्लाई करना है, तो फिर से जैसे मैंने अभी बताया, फिर से आपको यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, और उसी तरह से यहाँ पे फिर कॉलेज सेलेक्ट करना है, जो है स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, उसी तरह से फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जो है आपको सेव एंड वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से यहाँ पे आप जितने भी कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो सबका जो है अलग अलग आपको पेमेंट करना हो, जिस जिस कॉलेज में पेमेंट करेंगे उसी में आपको जो है अप्लाई होगा। और दोस्तों आपको एक कॉलेज में जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा नहीं, और यहाँ मैक्सिमम आप 10 कॉलेज में जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू, यहाँ कंफर्मेशन का प्रीव्यू पेज दिखेगा फॉर्म का, इसमें आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, टिक करने के, यानी कि जो आपने डिटेल्स फिलअप किया, ये सारा डिटेल्स ये आपने सही फिलअप किया, उसको यहाँ पे आपको कन्फर्म के टिक करना है, और फिर यहाँ पे जो है आपको कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। एक बार जो आप कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक कर देंगे तो जो आपका डिटेल्स है वो जो है एडिट नहीं होगा, कुछ भी एडिट नहीं होगा। जैसे कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक करेंगे तो रिव्यू आपका फॉर्म देखेगा, यहाँ से फिर आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। यहाँ पे जो है आपको फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज, ये सारा शो करेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे शो करेगा, इसको फिर से एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पे नाउ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट देखेगा, 100 रुपया जो है यहाँ पे अमाउंट जो है अप्लाई का चार्ज है, और प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज कुछ कट सकता है। चलिए देखते हैं कि जो ट्रांजेक्शन चार्ज कटता है या नहीं कहीं। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जो अभी पेमेंट का जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी जो है एड ही किया गया है, इसलिए जो है पेमेंट का जो यहाँ पे शायद अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो प्रोसेस दोस्तों यही है, यहीं से आपको जो है पेमेंट का सेक्शन का जो सारा पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, तो जहाँ से आप किसी भी ऑप्शन से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो यहीं पे आपको जो है, यहाँ पे जैसे आप पेमेंट हो जाएगा आपका, तो यहीं पे आपका जो है पैड शो करेगा, यहीं से आप रिसीप्ट निकाल सकते हैं, और आपका जो है फॉर्म का प्रिंट वो भी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो अभी जो है पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, इसलिए आप अभी पेमेंट नहीं करेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर पेमेंट हो जाता है तो आप पेमेंट कर देंगे। प्रोसेस ये है दोस्तों।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमारा सॉरी डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम जो हमारे ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप मैसेज करें, वहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, सब्जेक्ट मैपिंग, कोई भी तरह का जो प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।